दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को बता दें कि इस समय हम जौनपुर जंक्शन पर हैं और कल जौनपुर जंक्शन पर कार्यक्रम होने वाला है, तो उसका तैयारी काफ़ी ज़ोरों से हो रही है और तैयारी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हो टेंट बन रहा है, तो बने रही इस अपडेट में, पूरा बैक कैमरे के माध्यम दिखाते हैं यहाँ का जो कार्यक्रम में तैयारी की जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को बता दें कि कल जौनपुर जंक्शन पर पुनर्विकास का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है और कल उसका आयोजन है, तो उसकी तैयारी आज से ही, जो आज दिनांक है जैसा कि बता दें 5 अगस्त है, और इसकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों से हो रही है। जैसा कि आप सभी को दिखा रहे हैं कि टेंट लगना शुरू हो गया है बाहर, ये जौनपुर जंक्शन के ठीक बाहर का ये नज़ारा है जहाँ पे गिट्टी इधर बिछी हुई है, उसके बगल में ही कार्य कल कार्यक्रम होना है, तो उसकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों से हो रही है। जैसा बताते हैं कि सारे टेंट कर्मी लोग लगे हुए हैं टेंट को बिछाने में, काफ़ी तेज़ी से इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम आगे चल के दिखाते हैं कि कल का जो कार्यक्रम है किस प्रकार का टेंट यहाँ पर तैयार होने जा रहा है, और जगह जगह आपको बैनर भी देखने को मिलेंगे, और कल शिलान्यास होगा। 508 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास, पूरा पुनर्विकास का शिलान्यास होना है। तो चलिए हम आगे चल के दिखाते हैं आपको। आप लोग देख रहे होंगे सामने वहाँ पर मंच तैयार होगा और यहाँ पे आके बड़े बड़े जो टेबल हैं आके रखा गए हैं, और ऊंचा मंच बनेगा। जैसा बता दें ऊंचा मंच बनेगा, सामने दर्शक लोग रहेंगे, सामने अतिथि लोग रहेंगे, यहाँ पे जो तमाम अधिकारी लोग आएंगे वहाँ पर बैठेंगे, कुछ मुख्य अधिकारी लोग मंच पे विराजमान होंगे, और सामने आप देख रहे होंगे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कल शिलान्यास होगा, और तैयारी काफ़ी ज़ोरों से चल रही है कल के कार्यक्रम के लिए, पुनर्विकास के लिए। और किस प्रकार के यहाँ पे देखिए बोर्ड आपको दिख रहा होगा, कल इसी तरह यहाँ पे देखिए बनेगा पूरा जौनपुर जंक्शन आने वाले समय में। और तो चलिए, कुछ शॉर्ट वीडियो था जो आज तैयारी चल रही है जौनपुर जंक्शन पर, काफ़ी ज़ोरों से चल रही है, तो कल इसका हम अपडेट आप सभी को देंगे और पूरा पल पल के व्यू आपको दिखाएंगे जौनपुर जंक्शन से, जो पुनर्विकास का शिलान्यास होना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी के अनुसार। आप सभी को बता दें भाइयों को कि 2 दिन तक यहाँ पर कोई भी 2-व्हीलर गाड़ी 3-व्हीलर गाड़ी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम होना है कल बहुत बड़ा, जौनपुर में शिलान्यास का कार्यक्रम होना है, और सामने 2-व्हीलर गाड़ी अभी कुछ खड़ी हैं, तो उनसे अभी यहाँ पर RPF के जवान लगे हुए हैं, उनको गाड़ी बाहर करने के लिए निर्देश दे रहे हैं कि गाड़ी तत्काल बाहर कर लें। और देखिए कुछ RPF के जवान भी लगे हुए हैं और लगातार उनसे सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग गाड़ी बाहर निकाल लें, 2-व्हीलर गाड़ी 3-व्हीलर गाड़ी। और फिलहाल यहाँ पर पूरा एरिया साफ हो चुका है, यहाँ बस 2-व्हीलर गाड़ी थोड़ा बहुत बचा है, तो उसको निकालने का प्रयास RPF जवान लोग कर रहे हैं। तो चलिए कुछ प्रकार का आज का अपडेट था, तैयारी अंतिम चरण पे है कार्य, और काफ़ी ज़ोरों से तैयारी चल रही है कल के कार्य के लिए। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, आप सभी को आज का दिखाया तो शॉर्ट वीडियो था, कल की तैयारी आज ही काफ़ी ज़ोरों से हो रही है। और चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।